रहे बीएनबी 24 न्यूज। आज इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल बाजार के नजदीक में एक गांव में है जो दरभंगा जिला अंतर्गत आता है, और यहां पर जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेके बताया जा रहा था कि नाग देवता आए हुए हैं। ये वही गांव है, ये वही सड़क है जिस सड़क होकर के जो है नाग देवता आए हुए थे, और इसी घर में यहाँ पर जो है ये घर दिखाना चाहते हैं, ये घर दिखाइए। इसी घर में जो है एक भक्त रहते हैं, भक्तिन बोलते हैं उनको, वो उन्होंने अपने जो है घर में अपने देव स्थल पर जो है उनको लेके गया और उनको पूजा पाठ किया रखा है। और आइए हम दिखाते हैं उस भक्तिनी से, हम आपको बात करवाते हैं क्या कुछ मामला है, हम आपको सामने उनको लेके जाते हैं और आपसे बात करवाते हैं। ये यही घर है जिस घर में आप सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखा था जो वायरल हुआ था, और इसी जो है स्थान में, इसी घर में जो है लोग जो है हजारों के लोग में, मतलब गांव के लोग, तमाम लोग जो है यहाँ पर भीड़ लगा हुआ था, और जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा था ये वही घर है, ये वही आंगन है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए हम डायरेक्टली बात करवाते हैं कि यही वो जगह है जिस जगह पर जो है नाग देवता के बारे में जो है अभी भी जो है वो नाग देवता बताया जाता है कि अपने आप खुद आए थे, और हम इनसे डायरेक्टली बात करेंगे। तो हम डायरेक्टली उन महिला से बात करेंगे जो महिला जो है जिनको नाग देवता जो है आए थे उनके घर में और उन्होंने जो है यहाँ पर रखा था, पूजा पाठ किए थे। डायरेक्टली हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? दिनकर मुखिया पति। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो नाग देवता आए हुए थे क्या मामला था? आप रूपी सपना हमरा देलकै, ठीक छै, देलखिन तऽ देलखिन तऽ हम कहलियै ओहिके हम मानि नहि देबै, हमरा दर्शन दो सीधा दै रहके हमरा देखा देबो तभी ने हम बुझबै समाजो बाबू सब देखतै ने केना दर्शन दै छै केना की दै छै तब ने मानि दै छियै बाबाके। आँय ओहि दुआरे देलकै तऽ आप रूपी अयलै 7 बजे शाममे अयलै घर पर तऽ रहलै 11 बजे खाइ रात में 11 बजे तक रात भोर रात रहल भोर रात आदमी यहाँ पहुँचले रहती तो हुनका एनाही तो भारी छथिन मुख मढ़ हुनका ककरो नहि कुछ कहै छथिन अपन अथी रूप दए कऽ अपन ठाड़ 11 बजे दिन में 11 बजे दिन में यहाँ पे खुद से चले गए 11:10 में गए। अच्छा ये बताइए कि आप जो सपना में आया था तो सपना में क्या बोला था, मतलब नाग देवता बोल रहे थे कोई और देवता बोल रहे थे? हमारा सब देवता छे, नागे देवता छे, देवी छे, देवते छे, तो पूरा अथी नहीं छे। तो क्या बोला था सपने में, क्या बोला था? कथा भी मांग रहा है, कथा भी दी, मतलब हमको आप अपने घर में जगह दीजिए। हाँ जब और क्या कुछ बात हुई है सपना में? और अथापि मांगल के दार की देह पर खेलेगा। अच्छा देह पर रहेगा। अच्छा। ना वो देखता। तो आप जो है ये भक्ति कर रहे हैं, कब से ये भक्ति कर रहे हैं? यहाँ पर जो देख रहे हैं कि बहुत सारे देवी देवता का जो है स्थान है यहाँ पर पूजा पाठ। 12 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है देवता। अच्छा देव पर खेलता है, मतलब आप भक्त खेलते हैं। हाँ। अच्छा आप भक्त जो खेलते हैं उससे लोगों का कल्याण होता है कि नहीं? सब कल्याण होता है, जैसे आया है नांगर है लूल है जे का उनकर अथी है कैल कर समय रही है ठीक है। अच्छा अगर कोई जादू टोना रहता है, कोई डाइन जोगिंग किया हुआ रहता है सब, तो आपके यहाँ पर कोई आते हैं तो आप समझ जाते हैं उसको कि मतलब इसका डाइन जोगिंग किया हुआ है सब, और वो आदमी ठीक होके जाता है यहाँ से सब ठीक। ये कब से कर रहे हैं आप? 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने जो है भक्ति करते हैं, और भक्ति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शक्ति होती है, और उसी शक्ति को लेकर के जो है अभी कलयुग में जिस तरीके से आप हर जगह देखते हैं कि नाग देवता या इच्छाधारी नाग नागिन जो है आती है और लोगों को वहाँ पर जो है जो ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, देवी देवता के द्वारा, शक्ति के द्वारा जो है, जो यहाँ पर जो है इस भारत भूमि में हर जगह कहीं ना कहीं आपको आए दिन में जो है खबर मिलते रहता है, और वही खबर को लेकर के एक जो है ताज़ा फिलहाल का जो खबर है वो ये है
कि यहाँ पर नाग देवता इनको जो है सपने में दर्शन दिया था और इनको जो है यहाँ पर स्थापित करने के लिए वो मांग कर रहे थे, और इसीलिए जो है इन्होंने कहा कि हम इस बात को कैसे मान लें जब तक आप हमें साक्षात दर्शन नहीं देंगे, यही बात है ना। तो क्या हुआ फिर, साक्षात दर्शन देने के लिए नाग देवता आ गए? आ गए घर पर। जिस समय में आए उस समय में क्या माहौल था आपके गांव का, यहाँ पे आपके घर का क्या माहौल था? सर माहौल था पूरा समाज बाबू सब यहीं आया था दर्शन करने के लिए, सब जाति में सब बरन बारहों बरन यहीं आए। जैसे गांव घर में अमूमन देखा जाता है कि किसी भी सांप को अगर देखेगा तो लोग उसको मारता है, मारता है। उसको आए उस सांप दूसर रहेगा तो कते का इतने को काट लेगा, लेकिन वो सांप काटा नहीं। नहीं। और लोगों ने उसको मारने का प्रयास किया क्या? पहले हम प्रयास किया है मारे के लिए तो नहीं भागा। अच्छा। नहीं भागा तो घोड़ा पहुँच। अच्छा, डायरेक्टली ये इसी घर में आ गया। इसी घर। तो आप समझ गए कि मतलब जो है साक्षात नाग देवता हमारे ऊपर जो है वो दर्शन दे दिए हैं और हमारे ऊपर सहाय है। हमारे ऊपर पूरा वो सही है जी, हमारा सपना दल की से वो जब मांग। अच्छा, ये लोग जो आपके वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, आप 15 साल से भक्तिनी के काम करते हैं और आप जिसको भी डाइन जोगिन या जो भी जादू टोना मंत्र किया हुआ रहता है वो सब ठीक हो जाता है, तो आप लोगों को ये जो वीडियो देखेगा और आपके पास में साक्षात नाग देवता भी आ गए, दर्शन भी दिया, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना, क्या संदेश देना चाहेंगे? जस देगा आप लोगों का जस देगा। मतलब आपके हाथ में नाग देवता ने जो ये आशीर्वाद दिया है कि किसी को भी आप अगर उसको झाड़ फूक कर दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बाले बाद बाजी आएगा सब बाला दे। यहाँ पर अगर लोग अगर भीड़ लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो है लोग अगर आते हैं तो क्या उनको आप ठीक करके भेजेंगे? यहाँ से ठीक कर, आप यहाँ से ठीक करके भेजेंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, जो ठीक है जो कल कर समय दुख छोड़ के जो कल कर समय सब हम ठीक। अच्छा, आपके इस गहवर स्थान में जो है मतलब क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं लोग, अगर कुछ पैसा रुपया कुछ और कुछ चढ़ावा लेके आएंगे तो क्या मांग करते हैं, कुछ मांग करते हैं इस यहाँ पर चढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं कोई लेके आए? इच्छा है ग्यारह बारह रुपया ना क्या बन रुपया देगा अपन भगवती के चढ़ावे के लिए, नाग बाबा का अपना सारा कलखिन थे नाग बाबा को दूध और लावा खिलाने के लिए, दूध लावा अपन चढ़ाएगा जे आएगा तो अपन दूध लावा लेकर आएगा, पहुँच जाएगा तो सब ठीक है यहाँ से पहुँच। तो वो आदमी अगर कोई भी बीमार आदमी आएगा तो वो ठीक होके जाएगा, बीमार आदमी आएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, लोगों को आप और क्या संदेश देना चाहते हैं भक्ति भाव को लेकर के, जो आपका दृढ़ निष्ठा ईश्वर में परमात्मा में है देवी देवता में है, आप जो लोग जो है देवी देवता को उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, नवयुवक लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, आज है जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वास करने के लिए नहीं आए गलखिन, विश्वास करने के लिए नहीं गलखिन अपना दर्शन आप सब एलखिन, ना विश्वास नहीं रहे ने समाज बाबर, आपको भी विश्वास नहीं था? नहीं, कभी ना विश्वास करता है जी, ये ठीक कर दिया कहे नहीं जरा कुछ नहीं होता है, तो आप से आप वो अपने एलखिन भोर तब सब तब कल के हाँ ये सही बात बोली। मतलब जो आप भक्ति कर रहे थे और आपके भक्ति में जो शक्ति है वो उसकी परीक्षा हुई है आपकी, मतलब आप लोग नहीं मान रहे थे लेकिन इस भक्ति का जो है परीक्षा जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के सामने में ये चीज़ है, हाँ लोगों के गले जी जी लोगों के सामने में ये आप साबित हो गया है कि आप बिल्कुल जो है सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्तिनी है आप, ये साबित हो गया है ना, साबित हो आप तो लोग गाँव के लोग मानते हैं ना आपको, हाँ आप पूरा अपन बाबू आएगा तो अपन ठीक हो, इलाके के लोग मान रहे हैं आपका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, पूरा इलाके के समाज के लिए आएगा। और जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, जिस माँ बहन को जो है कोख सुना है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बालक के लिए, बालक भी देंगे, बालक भी देंगे। जैसे आपने देखा है कि इसी छठ त्योहार में एक घाट पे, बिहार में एक घाट पे जो है नाग देवता भी वहाँ पर प्रकट बताया जाता है कि परिक्रमा किए थे, और वहाँ पर एक जो है लेडी थी जो वो बिना डरे वहाँ पर उनका जो है सामना किया और उनको काटा नहीं है, किसी को भी दुख नहीं हानि नहीं पहुँचाया, लोग वहाँ पर अफरा तफरी मचा था, क्या अफरा तफरी आपके गाँव में भी यहाँ पर जब नाग देवता आया था तो मचा था क्या? नहीं कुछ नहीं, गाँव में तो भीड़ लगा होगा आपके घर पे, भीड़ का सुनेगा तो पूरा आएगा, अफरा तफरी तो मचा होगा, मचाएगा जी जी, रोड पूरा भरा है, पूरा रोड घर जाम था, भोर से लेकर बाहर तोड़ी से जाम रहता है।
अच्छा, फिर दोबारा सपना आया था कि मतलब फिर कब आएंगे, क्या होगा, कुछ ऐसा सपना? मतलब हमेशा रोज सपना देखते हैं कि क्या, कैसे आप सपना देखते हैं? सपना में आया था, सपना में डायरेक्ट डायरेक्ट आया था, गायब होने के बाद भी, गायब होने के बाद दो बार आएगा डालकिन अपन जस उठेगा, जखन आएगा बांध आएगा, जे आएगा तो अपन उनका जस दे के, बालक दे के अपन जस लेंगे। तो ये है, हम अपने पूरी जानकारी आपको पूरे डिटेल दिखाया है। आपका क्या राय है, क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो हम आपको एड्रेस बताना चाहते हैं। ये सोनपुर गांव, कौन सा गांव है? सोनपुर गांव है बिरोल में, बिरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है दरभंगा जिला, और सीधा जो है सहरसा रोड जो है 17 नंबर का जो रोड है, SH 17 नंबर जो है, रामखलन मुखिया का गहबर है, उसको लड़का है मझला, जी जी, दिनकर मुखिया। तो यहाँ पर इस जगह पर आके आप आशीर्वाद ले सकते हैं, यहाँ पर जो भक्तिनी है इनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं, नाग देवता के बारे में जो भी इनकी से जानकारी लेना है, जो भी चीज़ जानना है, आप यहाँ से इनके पास आशीर्वाद ले सकते हैं। और जो भी दुख तकलीफ है, बीमारी है, कोई रोग है, तो भक्तिनी ये दावा करती है कि आप यहाँ पर आइएगा श्रद्धा निष्ठा से, अगर आपकी अंदर भक्ति का भाव होगा तो ज़रूर आपकी देवी मैया या आपका नाग देवता जो भी है, विषहरी माँ जो है, वो आपको ज़रूर कष्ट कलेश दूर करेंगे। सही बात है ये? सही बात। तो ये डिटेल हमने आपको दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, देखते रहिए बेडमी 24 न्यूज़।